दोस्तों 2 से 4 मिनट लगेगा आपको इस वीडियो को देखने में, लेकिन आपका ये देखा हुआ वीडियो ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपके पूरे फ़ोन को बचा सकती है, और आप इसी तरीके से कई और दोस्तों के फ़ोन को बचा सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कभी भी चींटी को चींटी नहीं समझना चाहिए, नहीं तो चींटी अपने पे आ गई तो वो हाथी के सुंड में घुसकर हाथी को भी परेशान कर देती है। अब इस बात का कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपके फ़ोन की सेटिंग, छोटी से छोटी सेटिंग भी आपके फ़ोन की पूरे फ़ोन को आपका बचा सकती है, और नहीं तो आपके पूरे फ़ोन को गवा सकती है एक ही झटके में। तो आज मैं आप सभी के फ़ोन की एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसे अगर आप गलती से भी ऑन करके रखे हो, या फिर बाय मिस्टेक आपका ऑन हो चुका है, तो जल्दी से उसे ऑफ कर दो। नहीं तो आपका फ़ोन अगर किसी के भी हाथ में गया तो वो आपके फ़ोन में कुछ भी कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके आप सभी के लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। पहले मैं इस सेटिंग के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आप इसे टर्न ऑफ करेंगे अगर आपका बाई मिस्टेक ऑन हो गया है तो, एंड उसके बाद मैं आप सभी को बताऊँगा कि इससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और कोई भी आपके साथ क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन है। अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दीजिए, और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन है तो आप इसे ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको एक सेटिंग मिलेगी OEM अनलॉक। दोस्तों एक तरीके से ये यूजफुल सेटिंग भी है, और एक तरीके से देखें तो किसी और के लिए ये यूजफुल सेटिंग है। तो अगर आपका बाई मिस्टेक ये सेटिंग ऑन है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए फटाक से यहाँ पर क्लिक करके, और अगर आपका ऑन नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अब हम आप सभी को बताते हैं कि इस सेटिंग से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने फ़ोन को रूट करना होगा तो सबसे पहले आपको इसी सेटिंग को ऑन करना होगा, तभी आपका फ़ोन रूट होगा, और अगर आप इस सेटिंग को ऑन नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन रूट नहीं होगा। देखा कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप सभी को बताया। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके अपने फ़ोन को रूट कर देते हो तो आपकी फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाएगी, आपके फ़ोन के अंदर कई प्रकार के मालवेयर घुस सकते हैं, कोई भी आपका फ़ोन कंट्रोल कर सकता है, कोई भी लिंक भेजकर आपके फ़ोन को कंट्रोल में ले सकता है। तो आप इस सेटिंग को ऑफ कीजिएगा। देखा मैंने आप सभी को बताया था ना कि छोटी से छोटी सेटिंग आपके फ़ोन को तहस नहस कर सकती है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने सीख लिया कि आपको इस सेटिंग को ऑन नहीं करना है। अब दूसरी चीज़, अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग ऑन है और अगर आपका फ़ोन खो गया तो कोई भी आपके फ़ोन को फॉर्मेट करके आपका फ़ोन में कोई और ईमेल आईडी डाल के वो एक्सेस में ले सकता है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई FRP लॉक अनलॉक हो जाता है, रिमूव हो जाता है। भाई लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है रिमूव करने में, और इतना आसानी से FRP लॉक रिमूव नहीं होता है। तो आपको कुछ समय मिल जाएगा अगर ये सेटिंग ऑफ रहेगा, और आप फाइंड माई डिवाइस से आप अपने फ़ोन को खोज भी सकते हो। और हाँ एक और यूजफुल सेटिंग मैं आप सभी को इस चीज़ का बता दूँ, अगर आप अपना ईमेल आईडी जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसे अगर आप भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप इस सेटिंग को ऑन करके अपने फ़ोन को फॉर्मेट करोगे तो आपको FRP लॉक वाला ऑप्शन नहीं आएगा, और आप अपने इस फ़ोन के अंदर कोई और ईमेल आईडी ऐड करके आप इस फ़ोन को यूज कर सकते हो। तो देखा गाइज मैंने एक सेटिंग का, एक छोटी सी सेटिंग का कितने सारे यूजफुल और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आप सभी को बताई। तो इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इस घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आप सभी को मिलते रहे।